देश भर में कोरोना वैक्सीन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन जो है वो कल पहुंचने वाली है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल डुल्लो साहब हैं जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे बात करते हैं। सर, क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतजार लोगों को था, तो क्या ये इंतजार अब कल खत्म हो रहा है और कैसे ये पूरा प्रोसेस हो रहा है? हाँ, बिल्कुल, कल वैक्सीन आ रही है। कोविशील्ड जम्मू कश्मीर को अलॉट की गई है, तो हमें कोई 1.5 लाख डोज मिलेंगे जम्मू के लिए भी और कश्मीर के लिए भी। और हमने सारे जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए हुए हैं कि इनको वैक्सीनेशन साइट्स तक पहुंचाने के लिए। और सर, अगर हम बात करें, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है वैक्सीनेशन, कोई आसान भी नहीं होती, और आपको तो पहाड़ी इलाकों तक पहुंचना है हर चीज़ में, तो ये क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है और कैसे आप वैक्सीन को पहले रिसीव करेंगे एयरपोर्ट पर और अलग अलग छोटी छोटी जगह तक भेजेंगे? इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार की गई है। हमारे वैक्सीन कैरियर्स हैं, हमारे ILRs हैं, हमारे कोल्ड चेन का इक्विपमेंट जो सारा है वो इन प्लेस है, तो इनको उसी के हिसाब से कोल्ड चेन का वो जो लॉजिस्टिक्स को फॉलो करते हुए हम वैक्सीन को पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल से PHC लेवल तक पहुँचाएंगे, और इसके लिए हमारी पूरी तैयारी इन प्लेस है। और सर, पहला जो ये पूरा फेज है उसमें आप करीब 87,000 जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगाने वाले हैं, ये कितने दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे और कैसे ये पूरा प्रोसेस? पहले फेज में हम कोई 1,06,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट करेंगे। मुझे लगता है कि 7-8 दिन में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। और आगे का जो फेज है वो कब शुरू, कितना आपको उसके लगता बाद वैक्सीन के आने पर डिपेंड करता है। वैक्सीन आ जाएगी तो हम उसको भी शुरू करेंगे। और अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अगर मैं एक मैसेज की बात करूं कि अब कितना कोरोना का खतरा हमें है और इस वैक्सीन आने के बाद कितना हद तक इस पे काबू पा लेंगे हम लोग? वैक्सीन तो आ गया, ये बात सही है। वैक्सीन हमारे लिए एक और औजार है कोरोना वायरस को हराने के लिए, ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो प्रिकॉशंस लेते हैं, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, हैंड वॉश करना, तो वो तो चालू रहेगा। और वैक्सीन के बारे में ये साइंटिफिक कम्युनिटी से अगर आप सुनेंगे, वैक्सीन आपको इफ़ेक्टिव होती है 45 दिन के बाद, टीका लगाने के बाद, तो ये इमीडिएटली असर करना दिखाना शुरू करेगी ऐसी बात भी नहीं है। तो ये बात भी पब्लिक को समझाने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि अब कल जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन जो है वो मिलने वाली है, लेकिन लोगों को अभी भी अवेयर रहना है, अभी भी जो कोविड की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है, क्योंकि ये वैक्सीनेशन जो है वो टाइम लेती है, करीब 45 दिन का टाइम जो है वो इस वैक्सीनेशन को एंटीबॉडीज जनरेट करने में लगता है। ऐसे में प्रिकॉशंस लोगों को नहीं छोड़ने हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो अपनी तरफ से पूरी तरह